বুধবার দিন মুসলিম ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। এদিন এখানকার অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এখানে বক্তব্য রাখেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, বাংলার মুসলিমদের বাঙালিদের জানা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী তহবিল থেকে ইসলামিক হসপিটালের জন্য 4 কোটি টাকার আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেন তিনি এই সভা থেকে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে এই সোসাইটি আরও বড় ও প্রসিদ্ধ হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে যদি 2000 জন ডাক্তার হয় তাহলে 500 জন তার মধ্যে থাকে ইসলামিক সোসাইটির। मैं दरखास्त करूंगा जनाब आफ्ताब आलम साहब, सुनिदा टोल 20 लाख की रकम इस हॉल के रिनोवेशन के लिए दी। सब बहुत काम होते हैं, लेकिन मैं भी आज नदीम की तरफ से कुछ व्यक्तियों को इनविटेशन मेरा तरफ से भेज दिया। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उनसे मौजूद भी हैं। जब फिरहाद हाकिम आते हैं तो ऑल इज शाइनिंग राज्यसभा का दूसरे दफे MP बन चुके, जैसे जाते हैं तो भविया के जरूर उनको तीसरा दफे करा देंगे। नहीं, ये लोकसभा का संसदीय दल का नेता भी मेरा भी कभी कभी कुछ बातें दीदी भी सुनते हैं। और ये आज हम लोग हिम्मत से बोल सकते होंगे, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का तरफ से जितना काम आज हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करते हैं, इसका पहले दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर इसी तरफ से है। इसका तीसरा फ्लोर बनाना होगा। नदीम उल हक मुझको जाके बताया कि दादा 1 करोड़ रुपए का जरूरत है, तेरा यार में है। हम सब बोले कि चलो चीफ मिनिस्टर को पास देखो, कोई हो जाए तो एक दफे नहीं चाहे तो 2 दफे हो जाए, लेकिन इसका जरूरत है। जैसे इनका जब मल्टी जिम का जब शुरुआत हुआ था, नदीम भाई को इस बार का बिस्तर बताया था, लेकिन शुरुआत का बिस्तर बोलने भूल गया। उसी टाइम में भी मेरा ही फाउंडेशन को स्टोन एक्टिवा मौजूद है ये, और इसीलिए मेरा नाम उस पर इंस्टीट्यूट में पेट्रोलियम चीफ बोलते एक नंबर दे। अभी MP लैंड बंद है, जब खुलेगा मैं ये भी याद करना चाहता हूँ कि अभी एक लीड का जरूरत मैंने बहुत सोचा है। तो 2-3 MP लैंड फिर चालू हो जाएगा तो मेरा पहले अलॉटमेंट यहाँ लीड के लिए होगा। इतना खराब स्थिति आज से भी अभी ये देश में नहीं हुआ था। व्हाटएवर इट, हर समय हर वक्त पर ये हमारे देश के जो फाउंडेशन सेकुलरिज्म, कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये तीनों विषय चैलेंज कर सकते हैं, ये हमने होने नहीं दूंगा। हम लोग इसीलिए बोलते हैं हिंदू बौद्ध सिख जैन पर्श मुसलमान कृष्ण, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे देश का मूल फिलोसॉफी है। इससे हम लोगों को कौन हटाए? जब तक सांस है, जब तक जिंदा हूं, हर व्यक्तियों को आज ऐसा ही निशाना होगा कि
इसको रक्षा करना हमारे सबसे बड़ा काम है और ये सबको करना होगा। बहुत बदनसीबी है हमारा कि देश का सबसे बड़ा पार्टी का 2021 में एक ही टारगेट है कि हमारे ये मुख्यमंत्री को कैसे हटा दिया जाए। दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं है, ना देश का अच्छा के काम में, ना कोई भला काम के। आज भी बहुत बड़ा स्टेडियम भी है जो विश्व में एक नंबर स्टेडियम से बनाया, वो नाम भी अपना ही नाम से कर रखे। मैं अभी टीवी देख के आया, हमारे नेता जी जो स्टेडियम बना सकते हैं वह गांधी जी स्टेडियम नाम पर स्टेडियम, कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम से थे उसको हटा दिया, और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या के मतलब। बचपन से जिसके हाथ पकड़ के मैं राजनीति किया, हमारे एमपी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय है, हमारे दोस्त हमारे छोटे भाई राज्यसभा के एमपी नदीमुल हक साहब हैं, हमारे गुलाम अंसारी साहब हैं, निसार भाई हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट से वही जुड़ा है जो इंटेलेक्ट सोसाइटी ऑफ मुस्लिम्स इन कलकत्ता मुस्लिम इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ, और इंटेलेक्ट सोसाइटी सिर्फ इंटेलेक्ट सोसाइटी नहीं होता है, वो ओपिनियन बनाता है, इंसान के ओपिनियन बनाता है। जैसा नादिम भाई जो भी सोचता है वो अखबार मशीन में जाता है, अखबार मशीन में जाता है तो यह हमारे उर्दू स्पीकिंग हर घर में जाता है, उससे ओपिनियन बनता है। इंटेलेक्ट सोसाइटी जहाँ पर जाता है वो जो तकरीर करते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो उससे ओपिनियन बनता है। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लिए ये बहुत अहम है, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी हमारे मुस्लिम समाज में, हमारे मुस्लिम सोसाइटी में क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। और आज जरूर हमने ऊपर में एक एक्सटेंशन का दरकार है, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मेंबर बन रहे हैं, हमारे मुसलमान आबादी बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर एडुकेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये आस्ते आस्ते दिन के दिन बढ़ रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रहा है, इसलिए अभी हमारे जगह का किल्लत हो गई। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ममता बनर्जी का, जी ठीक है, मैं शुक्रगुजार हूँ ममता बनर्जी के जो उन्होंने खुद मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लिए 50 लाख और एक ही साथ इस्लामिया हॉस्पिटल के लिए करीब चार करोड़। और आज मैं फिर शुक्रगुजार हूँ सुदीप बंदोपाध्याय से, क्योंकि हमारे सोसाइटी से सुदीप दा का आज से नहीं, हमारे इस्लामिक सोसाइटी या मुस्लिम सोसाइटी से सुदीप दा का बचपन से रिलेशन, क्योंकि सुदीप दा ऐसे एक माहौल में पड़े बड़े बड़े हुए हम जानते हैं, क्योंकि जब सुदीप दा जब यंग थे हम तब बच्चे थे, उस समय से इनके हाथ में पकड़ा। तो इनका जज्बात क्या है, इसका हमारे सोसाइटी को लेके क्या इनके ख्याल है, ये हम बहुत अच्छी तरह से इसको फील कर सकते हैं। और ये हम कहते हैं जो हमारे जितने लीडर हैं, ममता बनर्जी से सुदीप बंदोपाध्याय तक, शोभा तो राय से लेके हर, वो 100% सेकुलर। जरूर ये ब्राह्मण है, जरूर ये हिंदू है, ममता बनर्जी हिंदू है, मगर जरूर अपने जो है अपने जो मजहब है उसे पूरी तरह मानती है, मगर साथ ही साथ दूसरी मजहब को इज्जत देती है। और उन लोग से मैं भी ये सीखा हूं, जो हम अपने मजहब को पूरी तरह मानते हैं, मगर हम अपने मजहब को मानते हैं, इतनी उसका तवज्जो है मेरे पास, इतना उसका अहमियत है, जो हम दूसरे मजहब को भी इज्जत देते हैं। तो ये हमारे कलकत्ता नहीं, हमारे बंगाल का एक कल्चर है,
चाहे वो रविंद्रनाथ को देखिए, चाहे शरदचंद्र को देखिए, चाहे काजी नजरुल इस्लाम को देखिए, सभी का एक सिंगुलर कैरेक्टर है। और ये बोलने के लिए पहले हम बोल के कोई ये जुर्म नहीं होगा, जो हमारे आगे जो हम लोग 34 साल से अपोजिशन में, और उस समय जो लेफ्ट था उनके भी ये ख्याल नहीं था जो ये मुसलमान है ये हिंदू है। मगर आज ऐसा एक हवा आ गया, ऐसा एक माहौल बना दिया जा रहा है जहाँ पर हमें ये कोना पड़ता है भाई हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम क्रिश्चियन है, हम सिख है, ये नहीं, ये गलत है। हमारे पहले पहचान है क्या? हमारे दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, दो हाथ है, पहले हमारे पहचान है हम इंसान। उसके बाद जब मैं अपना नाम कहता हूँ किसी को, तब उसको मालूम पड़ता है कि हाँ ये मुसलमान है, ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। सुदीप दा का कहा अभी ये ग्लैमर वाला आदमी आ गया, नहीं कहाँ से आएंगे काले वाले आदमी है सुदीप दा का अंदर से ये बात ठीक है, काले हैं तो क्या है दिल वाले। मगर ये एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आज पड़ गई, वो है ज्यादा जल्दी से जल्दी ये स्ट्रक्चर बनाना और लिफ्ट लगाना, ये जिम्मेदारी पड़ गई। तभी ये लेके नदीम भाई से बात हो रहा था, जो ये कैसे किया जाएगा, हम बोला 50 लाख में अगर आप इस्लामिया हम इंजीनियर दे देंगे, आप अगर करते हैं तो इसमें लिफ्ट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट को देकर कराते हैं तो PWD शेड्यूल के उस पर ये ज़्यादा, ये शकील भाई के जानते हैं ये भी जानते हैं, तो ये लेके हम लोग बातचीत कर लेंगे। मगर इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये काम शुरू करके ख़त्म करना ये हमारे लिए आज फर्ज है। और ममता बनर्जी के एक सिपाही हो गए, उनका जो ख्वाहिश है उसे पूरा करना जो है ये हमारे लिए फर्ज बनता है। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट ये तो अपना सोसाइटी है, अपना माहौल है, इसके लिए जो भी करेंगे उसको अच्छा है, इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सुदीप दा का भी नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में जो काम होगा ऑडिटोरियम को रिनोवेशन करके वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आप लोगों से सिर्फ मेरा एक इंतजार है कि एक जगह हमें रहना है, एक जगह पकड़ के रहना है। आप इंटेलेक्ट सोसाइटी, इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ, एक जगह सबको एक जगह रहना है, अगर करना है तो एक जगह। हमने ये डिफरेंस करके हमने UP में झेल चुके, ये डिफरेंस करके हम बिहार में झेल चुके, मगर कलकत्ता एक ऐसा जगह है, बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। बहुत सारे आदमी हैं आके इस समय अपना पापड़ बेलते हैं, भाई हम ये मुसलमान के लिए ये कर लेंगे, मुसलमान के लिए वो कर लेंगे। अब हम कलकत्ता के हैं, हम कलकत्ता के मुसलमान को नहीं जानेंगे, कोई हैदराबाद से आके कलकत्ता का मुसलमान को जान लेगा, बंगाल के मुसलमान को जान लेगा, तो ये हमारे लिए तो शर्म की बात है। या कोई हुजूर फैमिली से आएगा के कहेगा हम मुसलमान के रहमुरा बन गए, हम मुसलमान को देख लें, ममता बनर्जी मुसलमान को नहीं देखी है। अरे ममता बनर्जी के हाथ में मैजिक नहीं है, एक 500 करोड़ का बजट को 4000 करोड़ का बजट बना दिया, यहाँ पर गुलाम भाई बैठे हुए हैं, 500, 600, 2000, 4000 का स्टाइफेंड से आज एक एक साल में 46,000 का स्टाइफेंड, 46 लाख का स्टाइफेंड आज आ गया है, ये वो ये बात है। मगर एक सोसाइटी को बढ़ने का समय लगेगा, एक दिन में ये नहीं हो सकता। आज सचार का अगर 10,000 हमारे इंजीनियर निकलता है तो 4,000 से 5,000 करीब हमारे इंजीनियर जो है वो मुसलमान सोसाइटी से निकलता है, ये पहले नहीं था। आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो ISIPS इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, वो जो इंस्टीट्यूट बनाया है जो बंगाल के लड़का लोग पढ़ के अब
IS IPS में गया, ये एक बहुत बड़ा गैप था। जब दिल्ली में तौहीन किया जा रहा था, दिल्ली में जलील किया जा रहा था, मुसलमान जो बाहर से आए थे तो यहाँ पर लाके उससे रखना रखना और फिर उनको घर पहुंचा देना, ये पूरा काम जो है ये हज कमेटी ने किया। तो ये काम ममता बनर्जी के सलाह छोड़ के हो सकता? ममता बनर्जी चाहती थी बोल के ये काम हुआ? बहुत सारे आदमी बहुत सारे बात करते हैं, मुसलमान आ रहे आप क्या देखिएगा, मुसलमान आप तो हुजूर के बेटे हैं, आप मजहबी बात करिए, जलसा करिए हम सुनेंगे, अब कुरान शरीफ समझ आइए हम समझेंगे। आप सियासत को क्या जानते हैं? हम बचपन से सियासत में है, इन लोगों का हाथ पकड़ के बड़े हुए हैं, हम सियासत नहीं जानते, आप हुजूर के बेटे हैं, आप सियासत जान लेते हैं पूरा। तो ये हमारे आपके पास ये इंतजार है जो हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो समाज, ये हम इंस्टिंक्ट में चलते हैं, दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से जोश है हमारे अंदर में, मगर उसके साथ साथ आप वो होश जो है ये हमारे सोसाइटी को दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, हम नहीं, आप दे सकते हैं। जो सोचो अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर बाई चांस यहाँ पर भी कोई जोगी आ गया, अगर आ गया अल्लाह के ऊपर है तो दुआ करते हैं अल्लाह के, तो क्या हो। तो मैं आपसे ये इल्तजा करता हूँ कि ये ओपिनियन ये आज बिल्डअप करने का दरकार, आज़ादी के समय भी यही इंस्टीट्यूट आज़ादी के लिए ओपिनियन बिल्डअप किया था, आज भी ये इंस्टीट्यूट का जिम्मेदारी होता है जो आज भी मुसलमान सोसाइटी के अंदर में ओपिनियन जो है ये आप बिल्डअप कर सकते हैं। इतना कहते हुए फिर आप सबको ये नए काम के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं खत्म करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट 24 आवर्स टीवी।